विक्रम उठो। क्या जरूरत थी उस बंदर की मदद करने की? छोड़ना यार, मधु है ही इतनी अच्छी, उसे किसी भी खोट नहीं दिखता। इसकी तो चला चला चला, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो विक्रम मधु, चलो 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 विक्रम भाई। भाई देखा आपने, मधु भाभी को आपकी कितनी फिकर है। हाँ यार बच्ची किसे प्यार से देख रही थी मेरी तरफ, वो उसने मेरे हाथ में उसका हाथ दे दिया यार। ए, हाथ को छूना नहीं, तेरी भाभी ने हाथ लगाया इस हाथ को। हाय आज तो मजा आने वाला है, चल। मैं तो क्या जरूरत थी उस विक्रम को सहारा देने की। ओहो तो जलन हो रही है। वैसे इंसानियत के नाते मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, पर मेरा दिल बस तुम्हारे पे ही धड़कता है। सो फिकर नॉट, मैं तुम्हारी ही हूँ। चलो ना मधु, साथ में चलते हैं। चलो बात और है, तुम्हारे इन दो काले काले नैनों में बह जाने को दिल करता है। दिल करता है यूं ही लंबे समय तक तुम्हारे साथ को थामे चलता रहूं। सही कहा, ऐसे लगता है ये पल यहाँ ही ठहर जाए, बस तुम और मैं। हाँ, और हम जाते हैं अपनी काशी करने। अबे गधो, तुमने कहा था गन्ने के खेत में जाकर गुलगुली करो, और तुम यार रोड पे ही शुरू हो गए। चलो वरना सर देख लेंगे। चलो 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 बच्चों, जल्दी चलो।
आराम से। थांबा थांबा। रुको, तो ये है काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। तो इस तरह की मिट्टी गन्ने की और कॉटन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। इसकी विशेषता ये है कि इस मिट्टी में पानी बहुत दिन तक टिकी रहती है, तो इससे किसानों का फायदा होता है। पानी बहुत दिन तक टिकता है इसमें। सर उनको सुनाई दिया सर मैंने जो बोला। कंटिन्यू। तो इनडायरेक्टली पानी की बचत होती है। पर मैम ये तो सूखा है तो इसमें पानी कहाँ से है? तो अभी अगले गन्ने की खेती के लिए तैयार हो रही है मिट्टी। चलो चलो देखो, हाथ लगा के देखो, चलेगा? मैडम इसको हमारे इधर ढेकड़ा बोलते, ढेकड़ा ढेकड़ा बोलते। जब राने से ना करते ना तो ऐसे ढेकड़ा निकलते, ऐसे बार बार निकलते। जब कोई हमें परेशान करता है ना, हम उसे ढेकड़ा ढेकड़ा में ऐसे भागते 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 फिर के ऐसे आतड़े निकलते है सब। शिवा तू बड़ा मजा किया है, एक बार भाग के दिखा हमको इस ढेकला में से। नहीं नहीं भागेगा? नहीं नहीं कैसे करते, दिखा ना दिखा ना। दिखा। ये सब काकड़ी निकले, सब नहीं निकले। रुको बड़ा मजा आया। शिवा भागेगा ढेकलो में से? नहीं। उठ गधा कहीं का। ढोकला नहीं देखला। देखला। भाभी जी को बोलने ही नहीं आता। अरे भाभी जी मत बोल, ना मैं तुमको मारूंगी। हम लोग वापस स्कूल चले जाएंगे यार, मैं फीस भी कैंसिल कर दूंगी। और बच्चों बाद में आपको भी पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, रेशमा मैडम बाद में यादव मैडम के नाम से जानी जाएगी। हो गया तुम सबका। चलो चलो आगे, चलो आगे का देखते हैं। आगे का गन्ने का खेत है। गन्ने का खेत है प्यारे लाल। हाँ, एक गन्ना लेके आओ। गन्ना? जाओ जाओ। पर क्यों, मैं लाता ना मैडम गन्ना। प्यारे लाल को बोलने की क्या जरूरत थी, वो गधा गन्ना लाने के लिए देर करेगा। नहीं नहीं लाता मैं, मैं जाऊं? नहीं 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 लाता। मुझे बोलना अब क्या फायदा, वो लेके आएगा प्यारे लाल और क्रेडिट वही खाएगा। मैडम ये देखिए बहुत बड़ा है गन्ना। जाना हुआ ना देखे, हुआ ना जाना, बैठना अपनी जगह पे जाके। अरे बीच में से काय को जा रहे हैं, बैठो इधर जाके। हाँ मैडम आप शुरू करें। हो गया आप सबका? हाँ हो गया। चुपको गन्ना मैंने दिया। हाँ हाँ बहुत बड़ा काम किया आपने, थैंक यू। तो बच्चों ये एक शाकीय पौधा है। मैडम जी बहुत बड़ा गन्ना है, मैंने लाया है। मैडम जी ऐसे गन्ने के खेत हमारे गांव में बहुत है, अगर आप हमसे शादी करोगी ना तो हमारे गन्ने के पूरे खेत आपके, आप और हम गन्ने के खेत में काम करेंगे, मजे करेंगे, है ना? बहुत खेत है। रखो अब अपना गन्ना अपने पास। तो मैं ये कह रही थी कि गन्ना मुख्य रूप से गुड़ और चीनी के लिए उगाया जाता है। गन्ने की खेती भारत और ब्राजील में बड़े मायने में किया जाता है। मैं पूछूं? हाँ। पर ये गन्ने की शक्कर कैसे बनती है और गुड़? सब फैक्ट्री में भेजे जाते हैं और उधर उनके सब मशीन ये सब है के वो लोग इसका चीनी या फिर गुड़ बनाते हैं। ओ
ऐसा खड़ा इसको रहने दीजिए मैडम, मैं पकड़ूंगा और आप इन्फॉर्मेशन देते रहिए। आप इन्फॉर्मेशन देते समय बहुत बहुत प्यारी लगती है। तो मैं ये बता रही थी कि गन्ने की खेतों से किसानों को बहुत फायदा होता है, और मैंने जो तब बताया था आपको याद है कि गन्ने की खेती किस मिट्टी में होती है? करौली। भारत में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश गन्ने की खेतों में अग्रणी राज्य है। जय महाराष्ट्र। आओ मैडम, आम ची ग्रास ले ले, उस पड़ ले ले। उस मतलब गन्ना, गन्ने को मराठी में उस बोलते हैं हमारे इधर कोल्हापुर में। अच्छा अच्छा, उस। लेकिन इसको खाते कैसे है? अरे मधु भा, मधु इसे चबा चबा कर खाते है। सर लाओ, मैं खा के दिखाता हूँ इसे। रहने दो, मैं बताता हूँ चबा चबा के खाएगा। मैडम चाहू तो सबको एक एक गन्ना लेके आओ। आप कहे तो। हाँ, लेके आइए। अबे बच्ची, अरे ये क्या कर रहा है तू? अबे ठीक से तो देख, मिट्टी की जगह किसकी टट्टी उठा रहा है तू? No! तो चलो फिर आगे चलते। चलो चलो किस तरफ, चलो किस तरफ, चलो। रुक तो रुक रुक, अरे रुक इधर। प्रेम, तुझे एक मजे की बात बतानी है। बता जल्दी। हमारे गांव में ना हवा से कम और कपल्स के कारण गन्ने के खेत हिलते हैं। लेकिन वो कैसे? अरे सब लोग अपने प्रेमियों को लेकर गन्ने के खेत में जाते हैं और गुटर गुजा करते हैं। बड़ा बेशरम है। अरे रुक तो, तू कहे तो तेरी और मधु बाबे की सेटिंग करा दो गन्ने के खेत में, फिर तुम भी हिलाना गन्ने के खेत को। देखो मत, कुछ करो तो मानो। अरे बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैडम है कि मौका ही नहीं देती। मैं तो मौके पे चौका मारने की कोशिश कर रहा था, लगता तो था इस गन्ने में, गन्ने के खेत में लेके जाओ, लेकिन तुम हो बीच में आते हो। एक काम करो। हाँ, ये तो घुट मारो, मौका भी मिलेगा चौका मिलेगा। अरे तुमने तो कहा कि तुम दारू शराब पीना बंद कर दिए हो, और श्रीवास्तव सर की कसम भी खाई थी तूने। सर अगर मेरे कसम से कोई मरता ना तो मैं सबसे पहले आपकी कसम खाता। क्या बोला तू? मेरे नहीं मरता ना। साले तुझे तो दिखा था मैं, अब देख। अब आई ग्रेडिंग, अब देखो मौका चौका। अरे यार कैसे भी थे वैसे। रेशमा मैडम, मेरी रेशमा मैडम, आप रेशमा मैडम की तो मैं बैड। किसको गन्ने के खेत में लेके जाने की बात हो रही है? मुझे भी लेके चलना। क्या? तुझे तुझे लेके जाऊं? कोई पागल ही होगा जो तुझे गन्ने के खेत में लेके जाएगा। और अगर लेके गया तो गन्ने हिलेंगे नहीं, टूटकर बिखर जाएंगे। जा जाकर कहीं पर घास खाकर आ। मैं क्यों घास खाऊं? भैंस हमेशा घास ही तो खाती है। तो ऐसे नहीं ना मानेगा, मैं ही तुझे लेके जाती हूँ गन्ने के खेत में। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैडम जी, आपको देख के। आगे बढ़ते हुए, इन्हें उगाने से लेकर बाजार में बेचने तक किसान को कड़ी मेहनत और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब जाके हमें गर्मा गर्म रोटी खाने मिलती है। खेती अपने अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। मैडम जी, मैं भी आपका आधार बनूंगा। वो कहते हैं ना, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी,
मुझसे शादी कर लो, मैं आपका आधार बनूंगा। सर, मैडम जी आप बताइए किसान के बारे में और बताइए। जय महाराष्ट्र, जय किसान, जय महाराष्ट्र, जय किसान, जय जवान, जय किसान। सच कहते हैं ना वो, किसान है तो हम सब है। अगर किसान खेती करता है तो हमें जाके दो वक्त की रोटी खाने को मिलती है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह हम ऐसे मर जाएंगे, है ना। मैडम इसी बात पे ना मुझे एक चुटकुला याद आया, अभी आपको सुनाता हूँ। वो क्या हुआ ना, अयो अब ये जुल्म क्यों यार, सब भागो, ये बकवास चुटकुला सुनकर ये मजा किरकिरा हो जाएगा। आपके वजह से सारे बच्चे भाग गए, अब मैं आगे का किसे बताऊं? मैडम जी मुझे बताइए ना, मैं हूँ ना, आप कहती रहो मैं सुनता रहूँगा। कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। रा 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 रा। आप ना बड़े चिपको। मेरी रेशमा। सर वो आधार कार्ड के बारे में आप क्या कह रहे थे? आधार कार्ड के बारे में तुझे सुनना है? अच्छा वो आधार, ये पकड़, ये पकड़, मेरे को भी आधार नहीं है। ये भी पकड़, ये प्रोजेक्ट की फाइल है और आधार कार्ड चाहिए। आधार अभी 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 मैं आपका आधार कार्ड। अबे गधे तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये आधार चाहिए, आधार चाहिए, आधार चाहिए, आधार चाहिए, चल भाग यहां से। ऐसे क्या देख रहा है प्रेम? इन हरे भरे खेतों को, इन्हें देख मन को एक अलग ही शांति मिलती है, ठंड दे जाती है ये हवाएं। सच कहा, हमारे शहरों में कितनी भीड़ भाड़ रहती है ना, पर यहाँ देखो एक अलग ही सुकून मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये सब। हाँ वो तो है प्रेम, मेरा एक सपना है, जब हमारी शादी होगी ना तब हम भी खेती ही करेंगे। और क्या क्या सपने देखे हैं तुमने? मैंने? तुम खेतों में काम करोगे तो मैं तुम्हें रोटी बनाकर लाऊंगी, तुम थक जाओगे ना तो फिर मैं अपनी गोद में तुम्हें लेटाकर मेरे पल्लू से हवा दूंगी। मैं खेतों में बहुत उछलूंगी, यहाँ वहां दौड़ूंगी, तो तुम अपने बाहों में मुझे भर लेना। लेकिन एक मिनट, क्या हुआ? अगर सब काम मैं करूंगा तो तुम क्या करोगी? तुमसे प्यार। मधु मत करो इतना प्यार कि तुम्हें खोने का डर लगा रहे, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगी ना? अरे ये मधु सिर्फ तुम्हारी है, प्रेम बिना मधु अधूरी है, और जब तक मुझ में जान है ना तब तक मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मधु मेरा टिफिन खा के देखो ना, कोई सब्जी तीखी तो नहीं है, वरना मेरा मुंह जल जाएगा। वो क्या है ना कि हर रोज
प्रकाश मेरे साथ बैठता है, लेकिन आज वो मुझसे दूर बैठा है, इसलिए तुम टेस्ट करके देखो ना। अरे बस इतनी सी बात, लो अभी देख लेती हूँ। वाव, सच में यार आंटी के हाथ में तो जादू है। काश ऐसा खाना मुझे हर रोज मिलता, बहुत बढ़िया। शादी करके आएगी तो मेरी माँ अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाएगी और मैं तुम्हें खिलाऊंगा। क्या कहा था? वो कुछ नहीं कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि तुम्हें खाना इतना ही पसंद आया है तो हम मिलकर खाते। वैसे भी किसी ने कहा है मिल बांट कर खाने से प्यार बढ़ता है। अरे अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? अरे अभी तो तूने कहा था मिल बांट कर खाने से प्यार बढ़ता है, वही तो कर रहा हूँ मैं, तेरे टिफिन से खा रहा हूँ। खाएगा? अबे मैं खा रहा हूँ ना तेरा टिफिन, तो खाने देना। शिवा तू रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं विक्रम अभी नहीं, बैठो। शिवा टिफिन दे। देखा वेंकटेश, मधु भाभी विक्रम भाई कैसे दोनों, मधु भाभी कैसे उसका खाना चख रही है। स्कूल में तो मधु भाभी उनके पास भी नहीं जाती और यहाँ देखो कितनी प्यार की बरसात हो रही है। ये देख के तो मुझे ऐसा दिल गार्डन गार्डन हो गया। देखो अपने सख्त विक्रम भाई ऐसे पिघल गए हैं। मधु, उस विक्रम से ज्यादा घुल मिल कर रहने की जरूरत नहीं है। अरे किसी से बात करने से वो अपना नहीं होता। प्रेम तुम खामखा ज्यादा सोच रहे हो। ना कर मेरे प्रेम बाबू फक्र जमाने की, ये मधु तो है सिर्फ अपने प्रेम की। राइस लो ना आपको। दे दो थोड़ा, दे दो इधर। क्या बुक्कड़ की तरह खा रहे हो? अरे डालो शिवा। हाँ अरे खत्म हो गया क्या पूरा? आप मैडम का पुलाव खाओ। अरे अरे पुलाव बहुत हो गया सर को। हाँ शिवा तुम भी मेरे बारे में कुछ दो शब्द कहो ना। तारीफ और तुम्हारी, चलो आज दिल की बात कह ही देता हूं। ना अप्सरा की तरह ना परी की तरह, ना अप्सरा की तरह ना परी की तरह, तुम तो दिखती हो बिल्कुल काली भैंस की तरह।